प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और प्रॉब्लम नंबर 44 आप देखें, ये बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन रिपीट मारेगा, लिख लें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी ने किसी सेट में रखा हुआ मिल सकता है आपको। प्रॉब्लम नंबर 44, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस चेंज, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसे चेंज हो जाएगी इफ मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वायलेट लाइट। आपसे कह रहा है रेड लाइट का आप इस्तेमाल करोगे वायलेट लाइट के मुकाबले में, तो आपको इस्तेमाल किसका करना है, रेड लाइट का। तो आपको एक बात बता दें, जो फोकल लेंथ होती है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता, 1/f = μ - 1, 1/r1 - 1/r2, यही होता ना। तो आप यहां से देखें, जो फोकल लेंथ है वो कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल है। देखो आप, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ - 1। अब यहां से देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना ही कम फोकल लेंथ होगा। अब यहां से एक चीज देखो कि अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेवलेंथ पर डिपेंड करता, आपने रिले इक्वेशन पढ़ रखा था। तो यहां पर आप देखें कि यार ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कौन से कलर का ज्यादा होता, तो मैंने आपको ये चीज क्लियर बताई थी कि वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेड कलर के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। तो इसका मतलब रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा। तो मैं यहां इसको रेड से दिखाऊं, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम, तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो आपसे यही कह रहा, वॉयलेट के मुकाबले आपने रेड कलर इस्तेमाल किया है, तो जब रेड कलर इस्तेमाल करोगे वॉयलेट के मुकाबले, तो वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो फोकल लेंथ कम, और रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो फोकल लेंथ ज़्यादा। तो आपसे यही कह रहा, वॉयलेट की जगह रेड कलर का इस्तेमाल करोगे तो फोकल लेंथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस में लें, क्योंकि ये प्रैक्टिस से आती हैं चीज़ें इतनी बारीकी से, तो आप प्रैक्टिस में लें, आपकी भी बारीकी, आप भी बारीकी को जानना शुरू कर दोगे और आप भी इस क्वेश्चन की बारीकी को समझोगे, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं सबको लगा दोगे। बस आप एक बार अच्छे से देखें और रिलेशनशिप को पढ़ें कि किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पर डिपेंड करती है और किस तरह से फोकल लेंथ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड है। तो ये सारी चीज़ें देख लोगे तो आप ये क्वेश्चन को उड़ा दोगे। चलिएगा, अगले प्रॉब्लम में आपसे मुलाकात करता हूँ। थैंक यू।